साइकिल पे अंकल का सेटअप दिखा है। अंकल जी राम राम। राम राम। क्या खिला रहे हैं? कांजी बड़े। कांजी बड़े साइकिल पर? हाँ। इसमें बना कर लाते हैं आप? हम खुद ही बनाते हैं। क्या बात है, पतीला बांधा है साइकिल पे? हाँ। ये इसी पर ही लेकर आते हैं आप? जी भाई। अरे वाह, जरा दिखाइए एक बार फिर कांजी बड़े। ये देखो भाई, पतीला पूरा भरा हुआ है, लगता है अभी आए थोड़ी देर पहले अंकल। अभी आए। अरे वाह, और ये कैसे बनते हैं थोड़ा बताएंगे? कांजी दाल। कौन सी दाल के? छोला की, मोठ की, मूंग की। अच्छा, तो इसको क्या रात भर भिगोना पड़ता है दाल को? ना, ना, दाल को रात भर भिगोना पड़ता है। अच्छा, और ये राई का पानी कैसे बनाते हैं? दो दिन पहले। दो दिन? का। क्या बात है भाई, दो दिन पहले बनता है राई का पानी होता है ना ये? तो आप कितने सालों से लगा रहे हैं फिर? मेरे पास 40 साल हो गए। 40 साल? और यही साइकिल पर ही? ना ना। हाँ, तो फिर साइकिल पे तो 2 साल से। अच्छा, पहले कहाँ खड़े होते थे? पहले सिर पे लगाते थे घूमते फिर। सर पे? हाँ। ये इतना भाड़ा भारी पतीला? ये तो कुछ भी नहीं है, हैं? इससे 1.5 साल पहले तो। अरे भाई, मतलब आप तो जवानी में छाए हुए होंगे, इतना भारी पतीला सर पे चल के थे। क्या बात है भैया। देखो जी, ये खान पीन है हमारा। हाँ, राजस्थानी। क्या बात है, पधारो हमारे देश, मतलब और आओ यहाँ पे और खाओ ये बढ़िया सा कांजी वड़ा। पेट की सोबेमारी खत्म कर देगा ये। गर्मी में अच्छा होता है ये, पेट की पथरी खत्म कर देगा। पथरी? हाँ। कितना खा? 20 दिन में। 20 दिन में? हाँ। गारंटी लेते हैं आप? गारंटी लेता हूँ मैं। अरे भाई, बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। 20 दिन आना पड़ेगा। ऐसा क्या होता है इसमें कि मतलब पथरी का आप दावा कर रहे हैं सही करने का? इसमें राई है, काला नमक है, हींग है, इसकी करामात है। अच्छा, तो अभी तक किया है आपने किसी का? मैं कम से कम 150 आदमी कर दी है, यही जयपुर में ही? जयपुर में। क्या बात है भाई, के लोग के बंगले में बैठा है आज भी। अच्छा, बंगले से आते हैं लोग खाने? बीमारियां तो खाने वाला था वो वहाँ बैठता था। अच्छा, वो खा के जाता था। अच्छा, फिर उनकी सही हो गई? ओ क्या बात है, तो हमें भी जरा दिखाइए फिर कैसे देते हैं एक प्लेट में लगा के। हाँ। तो भाई, ये तो अंकल जी ने बहुत बड़ा दावा किया है। आ डालते टाटरी। हाँ। मैं टाटरी हाथ में लगाता हूँ। अच्छा, मेरे को इस बात की लड़ाई है, नुकसान ये वही है, पथरी उससे बनती है, कैंसर उससे बनती है, गांठ उससे बन रही है। हाँ। क्या बात, डॉक्टर खाने आता है समय समय से मेरे पास? डॉक्टर भी यहाँ आते हैं? हाँ, वो खुद ही कहता है ना। हाँ। टाटरी मत डालना बेटा कभी भी जिंदगी में, भूल करके भी। हाँ। कोई नहीं देखता पर मालिक देखता है। सही बात है भाई। और ये कितने का बनाया अंकल जी? 30 रुपए का। एक पीस आता है इसमें? दो आते हैं। दो आते हैं, एक दिया आपने अभी, जरा मैं अभी पी लेती हूँ। इसमें दिन में 3 बार सवाल चेंज होएगा। 3 बार? कैसे कैसे? सुबह अलग है, दोपहर में अलग है, शाम को अलग है। ये बनाया आपने 2 दिन पहले है पानी? पानी तो ये 2 दिन पहले एडवांस ही चालू रहता है। ये कब तक चलता है फिर? ये खत्म नहीं होता है। अच्छा, और कोई लेकर जाना चाहे तो? है? कोई लेकर जाना चाहे घर? ले जाओ। तो कब तक चलेगा घर पे? घर पे चाहे 3 दिन काम में ले लो। हाँ? हाँ। क्या बात है भाई, मतलब तो ये पेवर दाल का है जी, मेरे पास टाटरी का पानी नहीं है, मक्के का आटा का है। मक्के का आटा भी लाते हैं आजकल? मक्के का आटा का बनाते हैं। बहुत से कहते हैं तुम्हारे लाल क्यों सफेद होने चाहिए, मको सफेद भाई साहब मरने की दवाई है। टाटरी डाल देते हैं उसमें? हाँ, उसमें मक्का काटा रहता है तो। हाँ, क्या बात है। जरा चम्मच भी अंकल, चम्मच भी दो। जो? पानी तो बिल्कुल एक नंबर, यहाँ की जो गर्मी है ना उसमें आपका जो पेट हाजमा है ना एकदम सही रहेगा। थोड़ा ठंडा भी लगता है ये शरीर हमारा, है ना? ये ठंडा रहता है, लूने लगती है धूप के अंदर। क्या बात है, राजस्थान में हर कोई जो है दिन में एक बार ये जरूर खाना पसंद करता है, क्योंकि जो यहाँ की गर्मी है ना लू वाली, इससे हर किसी को बच के रहना बहुत जरूरी है। मतलब बहुत ही गजब का टेस्ट है। राजस्थान में दूसरी बार कांजी बड़ा खा रही हूँ मैं, लेकिन बहुत ही अलग स्वाद है उसका भी इसका भी, हल्की सी इसमें तीखापन भी है। कैसे इसमें दिखता थोड़ी है तीखापन? कैसे दिखता नहीं है? नहीं, स्वाद है। हम दूसरी मिर्ची डालते हैं। कौन सी? 9 रुपए किलो, 900 रुपए किलो आती है वो। 900 रुपए किलो? वाइट, बिल्कुल वाइट आती है। मतलब आपने बिल्कुल इसको इलाज की तरह ही बनाया है कि हर किसी का इलाज हो जाए, ताकि जो एक बार आए दोबारा जरूर आए। जो भी बाजार में तुम मिला लगता है
उसके लड़के के कीड़े खत्म कर दिए मैंने 5 दिन में। अच्छा, पेट में कीड़े थे? हाँ। इससे सही हो गए? उससे। क्या बात है भाई, तो फिर वीडियो सेव भी कर लो, शेयर भी करो। तो किसी को आना हो आप कहाँ मिलेंगे? आप कहाँ मिलेंगे? देखो 10:30 तक तो यहाँ मिलूंगा जी, 10:30 के बाद में स्टेडियम सर्किल। अच्छा, स्टैचू सर्किल पे। हाँ। अभी हम जा रहे थे चौड़ा रास्ता पे, वैसे मैं इनको ढूंढ ही रही थी और मुझे चौड़े रास्ते पर चलते हुए ये दिख गए। यहाँ देख लो, पीछे हमारा राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय है, और यहाँ अंकल दिखे। मैंने कहा चलो, इनको तो ढूंढ ही रही थी, ये खुद ही यहाँ पर मुझे दिख गए। इसके बाद 2 बजे जाते हैं स्टैचू सर्कल। फिर कब तक रहते हैं? 11 बजे। 11 बजे? और 11 से कब तक रहते हैं? रात को 7 बजे तक। 7 बजे तक सारा माल खत्म हो जाता है अंकल जी? क्या बात है भाई, मतलब संडे वनडे छुट्टी करते हो? सातों दिन खुद के लिए कोई समय नहीं है? हम छुट्टी तो जब करते, काम जाना होता कोई। अच्छा, क्या बात है भाई।